वेलकम बैक। आई एम योर धर्मेंद्र सर फ्रॉम डीएससी इंस्टीट्यूट डॉक्टर मुखर्जी नगर दिल्ली। मेरे प्यारे दोस्त, बहुत सारे बच्चों का डिमांड आया है कि सर अंग्रेजी में लिखना नहीं आता, सर अंग्रेजी में बोलना नहीं आता, सर अंग्रेजी में सोचना नहीं आता, सर अंग्रेजी में कुछ नहीं आता, बेस कमजोर है, सर बेस नहीं बिल्कुल बेसलेस है, कैसे काम करें सर। तो मैं आपके लिए आज एक सिंपल 7 स्टेप्स लाया हूं, जिसके थ्रू आप अगर इस स्टेप को सीख लिए तो आपको कह रहा हूं अंग्रेजी लिखना बोलना पढ़ना सोचना सब आ जाएगा। कोई भी तूफान सेंटेंस हो, बस जैसे मैं कह रहा हूं 7 स्टेप दे रहा हूं, इस 7 स्टेप को छोड़ना मत। एक एक स्टेप पे विचार करो, एक एक स्टेप पे सोचो, एक एक स्टेप पे आराम से विचार करके फिर सोचो कि करना कैसे है, होगा कैसे, कैसे हम बोल सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं। अभी से देखते हैं और आपको स्टेप याद कराता हूं। आप एक एक स्टेप पे चलने का प्रयास करो, आज से और अभी से लिखना भी आएगा, बोलना भी आएगा, सोचना भी आएगा। देखते हैं प्रयास करके। हमने क्या कहा, 7 सिंपल स्टेप्स, 7 सिंपल स्टेप्स टू राइट स्पीक एंड थिंक इंग्लिश। हम आपको 7 स्टेप दे रहा हूं सिंपल स्टेप्स, जिसके थ्रू आप लिख पाओगे, स्पीक कर पाओगे और सोच पाओगे। ये 7 स्टेप्स क्या है देखते हैं। पहला स्टेप, सबसे पहला काम, आपके पास मिले तो क्या करना है वो समझना। स्टार्ट रीडिंग इंग्लिश बुक डेली। सबसे पहला काम करना बच्चा कि स्टार्ट रीडिंग इंग्लिश बुक्स डेली। कितने मिनट सर? 10 to 30 minutes। हमने कहा कि स्टार्ट रीडिंग इंग्लिश बुक्स 10 to 30 minutes डेली। कोई भी इंग्लिश का किताब ले लो, जैसे मान लो मैं अंग्रेजी की किताब ले लिया और अंग्रेजी क्या लिया, आप 30 minutes इसे क्या करना है, पढ़ना है 30 minutes डेली, 10 to 30 minutes। आपको समझ में आए चाहे ना आए, दुनिया कहीं भी जाए कोई मतलब नहीं, अंग्रेजी तुम्हें आता हो नहीं आता हो, लिखना नहीं आता कोई बात नहीं, स्टार्ट रीडिंग इंग्लिश बुक 10 minutes to 30 minutes डेली। करना क्या है वो सुनो, स्टार्ट क्या करना है, ए पॉइंट स्टार्ट करना है, बी अ गुड रीडर, बी अ गुड रीडर। आप एक अच्छा पहाकू बनिए। सबसे पहले अंग्रेजी में बोलना सीखना चाहते हो, गला चौक कर जाता है, डोंट फील, डोंट बोदर योर सेल्फ, स्टार्ट क्या करो, बी अ गुड रीडर, एक अच्छा पहाकू बनिए। बस कोई भी ले लिया, जैसे मान लो न्यूज पेपर है, हमने ले लिया, कुछ कुछ भी लिखा हुआ है कि जोश डिफ्लेक्ट फ्रॉम द यूनाइटेड स्ट्रगल्स, आप बस ले लो और लेके पढ़ना शुरू कर दिया। समझ में आ रहा हो नहीं आ रहा हो, क्या मतलब हो रहा, कोई बात नहीं, 10 मिनट बस उठा लिया, 10 मिनट पढ़ूंगा, दूसरा कोई काम नहीं करूंगा। तो स्टार्ट रीडिंग इंग्लिश बुक 10 minutes to 30 minutes डेली। अब बी अ गुड रीडर, इसमें बी पॉइंट स्टार्ट क्या करना है, तो बी अ गुड राइटर, वी आर गुड राइटर, एक अच्छा लिखा अपने। आप किसी भी चीज को, जैसे मान लो इंग्लिश का बुक्स है, हमने कोई किताब इंग्लिश का लिया, डीएसएल का अपना बुक्स है, एक किताब लिया सामने रखा, एक कॉपी रखा, आप इस तरह से बॉक्स में आया, यहां पे आपका पेज है, ये बुक है तुम्हारा और यहां तुम्हारा पेज है, यहां से पढ़ा यहां लिखा, यहां से पढ़ा यहां लिखा, यहां से पढ़ा यहां लिखा। तो बी अ गुड राइटर, एक अच्छा लिखने वाला बने। सोचे नहीं क्या लिखना है, अपने मन से कहां से लिखोगे, अपना मन छोड़ो, बस सामने एक बुक रखो और बुक रख के लिखना शुरू कर दो, कोई भी पेज लो लिखना शुरू कर दो। तो सबसे पहला काम, बी अ गुड रीडर, बी अ गुड राइटर, एक अच्छा आप लिखने। और अगला पॉइंट इसे में आप ध्यान दे बेटा, जो सी पॉइंट है, बी अ गुड लिसनर, एक अच्छा श्रोता बने। कहा है सर, तो एक अच्छा सुनिए, अंग्रेजी कोई बोल रहा है तो उसको सुनिए, कहीं भी न्यूज़पेपर में हो, कोई चीज आप न्यूज देख रहे हो अंग्रेजी में, उसको सुनिए, ध्यान लगाइए 10 मिनट से 30 मिनट। हमने कहा 10 मिनट, पहले आप आराम से 10 मिनट यहां 10 मिनट यहां 10 मिनट यहां, और ये सब जब करना आ जाए तो बी अ गुड थिंकर, बी अ गुड थिंकर, आप एक अच्छा सोचने वाला बने। आप जब लिख लिया पढ़ लिया तो आप सोचिए अंग्रेजी में कि आपने क्या पढ़ा। अगर आपने 100 लाइन पढ़ा, 100 लाइन लिखा, 100 लाइन सुना, क्या आप एक लाइन निकल पाता है,
निकल पाता है। आप एक ऐसा काम करिए, अंग्रेजी आपके कदमों तले होगा। अभी सेवन पहला स्टेप दिया है मैंने, क्या कहा, सेवन स्टेप्स दूंगा। पहला स्टेप कह रहा है स्टार्ट करो, बी अ गुड रीडर, राइटर, गुड लिसनर एंड थिंकर, 10 to 30 minutes। आप बस देखते जाओ, शुरू से लास्ट तक आप देखो, अंग्रेजी कैसे नहीं आएगा, मैं अंग्रेजी जबरदस्ती तुम्हें सिखा दूंगा। तुम्हारा मन हो चाहे ना हो, तुम्हें वीडियो देख देख देखते तुम्हें अंग्रेजी बोलना आ जाएगा, लिखना आ जाएगा, सोचना आ जाएगा। आज से और अभी से अंग्रेजी नहीं आएगा, ऐसा कैसे हो सकता है। अगला पॉइंट दो, क्या आप, हमने क्या कहा, स्टार्ट। सेकंड थिंग देखो कि बी अ, आप यहां देखो कि कोई भी चीज, जैसे मिनिमाइज योर मिस्टेक, सबसे पहला काम करो। सेकंड पॉइंट, मिनिमाइज योर मिस्टेक्स एवरीडे। आप प्रतिदिन, जैसे मान लो कि आप कोई भी चीज लिख पा रहे हो, जैसे हमने वर्ड लिखा डिसीव, राइट, ये डिसीव लिखा, आपको कहा लिखो डिसीव, तो तुमने दिया डिसीव। अब यह स्पेलिंग तुम्हें पता है गलत है, यह स्पेलिंग क्या तुम्हारा सही है, तो मिनिमाइज योर मिस्टेक्स एवरीडे। तो रोज अपना जो मिस्टेक्स है वो मिनिमाइज करो, क्योंकि डिसीव आपको जब पढ़ाऊंगा टेक्निक तो पता है कि जहां भी सी आता है वहां हम ई आई लगाते हैं, और जहां सी नहीं होता वहां आई लगाते हैं। जैसे मान लो अचीव लिखना हो तो ए सी एच आई वी, तो यहां सी नहीं है इसलिए आई आया है, क्लियर। तो मिनिमाइज मिस्टेक्स एवरीडे, तो हर दिन अपने मिस्टेक्स को आप इंप्रूव करें, जो मिस्टेक्स हो उसको सुधारें। मिनिमाइज योर मिस्टेक्स एवरीडे, प्रतिदिन आप अपने मिस्टेक्स को सुधार करें। आप जब पढ़ रहे हो, मान लो कोई वर्ड तुम नहीं पढ़ पाते हो, मान लो बोलना हो रिप्रेजेंटेटिव आप नहीं बोल पाते हो, तो कोई बात नहीं, उसे तोड़ दो, रिप्रेजेंटेटिव। तो आप मिनिमाइज करो ना, जहां भी मिस्टेक्स हो रहा हो आप तोड़ तोड़ करके पढ़ो, तो जहां भी चीजें हो आप तोड़ करके जोड़ करके जैसे भी है मिनिमाइज करना है हर दिन। ये आपका दूसरा स्टेप था, क्या करना है, मिनिमाइज योर मिस्टेक्स एवरीडे, प्रतिदिन अपनी गलतियों को आप कम करें, राइटिंग में, स्पेलिंग मिस्टेक्स में, बोलने में आप कम करें। सबसे पहला काम, दो काम ये करना है, तीसरा काम करना है बेटा वो ध्यान दो। आप क्या करो, तीसरा स्टेप कि राइट, लिखो, स्पीक, बोलो विदाउट एनी हेजिटेशन। आप क्या करो कि राइट करो, लिखो, स्पीक करो, बोलो विदाउट एनी हेजिटेशन। आपके पास हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। कैसे सर, आपको बोलना आई गो, यू गो, दे गो, ही गोज, सी गोज, लता गोज, प्रिया गोज, सुमन गोज, राम गोज, तो जो भी बोलना हो आप विदाउट हेजिटेशन बोलो। आपको बोलना राम इज कमिंग, राम आर कमिंग, अगर आर भी बोल दिया तो घबरा नहीं है, क्योंकि मिनिमाइज तो रोज करना ही करना है। तो मिनिमाइज योर मिस्टेक्स एवरीडे, मिनिमाइज तो कर ही रहे हो, लेकिन क्या करना, राइट, लिखो। आपने एक पेज ले लिया, आपने ले लिया पेपर, सामने रखा, बस एक पेज लिखा, आपने क्या किया, राइट किया, स्पीक, बोलना है, बोलो, जो दिमाग में होता बोलो, मैं वहां गया था, आई वेंट देयर, तुम यहां आए थे, यू केम हियर, जो मन करता है अंग्रेजी बोलो, डरना नहीं, बस थोड़ा सा स्ट्रक्चर का प्रयोग करना है, जो आप पढ़ी रहे हो, ज्ञान है ही, तो जहां हेजिटेशन है ना उसको दूर करना है। क्या कहा हमने, राइट एंड स्पीक इंग्लिश विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट हेजिटेशन आप अंग्रेजी को क्या करो, आप लिखो, आप बोलो, तब आपका सेंटेंस हो जाएगा। यहां पर ध्यान दे, नंबर फोर पॉइंट, इंप्रूव, इंप्रूव योर वोकैब, इंप्रूव योर वोकैबुलरी एवरीडे। आप क्या करो, इंप्रूव करो, क्या इंप्रूव करो, अपना वोकैबुलरी, इंप्रूव योर वोकैबुलरी प्रतिदिन, प्रतिदिन आप वोकैब को इंप्रूव करो। कैसे करें सर, जैसे मान लो हमने बेसिक टू एडवांस वोकैब ले लिया, अब वोकैब ले लिया, ये वोकैब चिंता मत को सब भिजवा दूंगा तुम्हें, अपना व्हाट्सएप नंबर दे देना, सारा वोकैब तुम्हारे घर पे चला जाएगा। तो इंप्रूव योर वोकैबुलरी एवरीडे। अब यहां से वोकैब ले लिया हमने, जैसे मान लो कोई वोकैब ले लिया, एलियन, ब्रूक, कंसोल, कॉन्स्पायर, एडिफिस, तो कोई भी वोकैब हो, अपर्चर, कोई वोकैब हो, प्रतिदिन क्या करो, इंप्रूव करो, हर दिन जो वोकैब आपको मिल जाए, जैसे यहां पे लिखा हुआ है अ लवर ऑफ वंस कंट्री पैट्रियट, तो वन वर्ड से लेकर के बेसिक वोकैब, बेसिक एडवांस आप क्या करो, इंप्रूव करो। तो इंप्रूव योर वोकैबुलरी। आपने पढ़ा न्यूज़पेपर, अब न्यूज़पेपर पढ़ा, यहां पे वर्ड मिल गया स्ट्रगल्स, देखो फ्रंट पे
दिख रहा होगा आपको स्ट्रगल्स। अब स्ट्रगल्स का मतलब क्या होता है, तो आप एक एक वर्ड्स लेकर के आप क्या करो, इंप्रूव करो। तो प्रतिदिन आप अपने वोकैब के स्टॉक को इंप्रूव करिए। अंग्रेजी क्यों नहीं आएगा भाई, अंग्रेजी कितनी हिम्मत है कि नहीं आएगा। तो सबसे पहला काम है इंप्रूव योर वोकैबुलरी प्रतिदिन, रोज वोकैब क्या करें, इंप्रूव करें। नंबर नेक्स्ट पॉइंट नंबर फाइव पॉइंट में आ जाए, यहां करो यूज सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंस का प्रयोग करो कहां भाई, व्हाइल राइटिंग, व्हाइल स्पीकिंग। व्हेनेवर यू ट्राई टू स्पीक इंग्लिश यू शुड ट्राई टू स्पीक सिंपल सेंटेंसेस, नॉट ट्राई टू मेक हार्ड सेंटेंसेस। तुम्हें क्या करना है कि जब तुम अंग्रेजी बोलो तो यूज सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंस व्हाट डू यू मीन स्पीक इंग्लिश, टू ट्राई टू मेक अंडरस्टैंड द अदर पीपल, दूसरे को तुम्हें समझा देना है। और समझा क्या है, यूज सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंस का प्रयोग करो कब, व्हाइल राइटिंग, जब तुम लिख रहे हो, ड्यूरिंग राइटिंग, लिखने के क्रम में तुम सिंपल सेंटेंस लगाओ। व्हाइल स्पीकिंग, जब तुम अंग्रेजी बोल रहे हो ना तो सिंपल सेंटेंस पहले बोलो, पहले तूफान मत मचाओ, पहले बोलना सीखो सिंपल सेंटेंस। ही कम्स हियर, ही गोज देयर, यू कम हेयर, आई गो देयर, दे गो देयर, ही गोज देयर, कुछ भी, आई वेंट देयर, ही केम देयर, तो कुछ भी जो सेंटेंस आता हो पहले सिंपल सेंटेंस बोलने का प्रयास करो। डरने की जरूरत नहीं है, सिंपल से प्रयोग करना है। तो यहां क्या दिया, फाइव पॉइंट्स। सिक्स पॉइंट पर हम लोग आते हैं, वहां जाने का प्रयास करते हैं। वॉच सिक्स पॉइंट, सेवन स्टेप देना है तुम लोगों को। सिक्स कहता है तुम्हारा वॉच, देखो, क्या देखो, वॉच इंग्लिश न्यूज मूवीज इटीसी। अब आप इंग्लिश में न्यूज देखो, मूवीज देखो। अब यह नहीं कि सर ने कह दिया मूवीज देखो, तुम घंटों लगे रहो टीवी में, ना ना, ये काम ना कर रहे बच्चे। मूवी देखो का मतलब हो गया कोई भी चीज, शॉर्ट मूवी बना हो, 10 मिनट, कितने देर सर, तुम लोग को ज्यादा बताऊंगा तुम लोग बहक जाओगे, तुम लोग टीवी में बैठ जाओगे, देखना शुरू, सर ने कहा है यूट्यूब वाले सर ने, बदनाम मुझे करोगे बदनामी तुम लोग करोगे। घंटों नहीं बैठना आपको, मूवी देखना अंग्रेजी में, और देखना किंदरे 10 to 30 minutes, ज्यादा नहीं। एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट ही सेइंग, मूवी क्या कहता है, न्यूज में क्या कहता है, उसको आप अंडरस्टैंड करने का प्रयास करो। और आपके 10 to 30 minutes डेली आपको अंग्रेजी सीखना है ना, चाहते हो लिखना, चाहते हो बोलना, टाइम कितना दोगे बोलो, कितना टाइम दोगे, कम से कम 2 hours। कुछ देना है तो कुछ पाना है, कुछ दो तो मिलेगा। ये नहीं कि सिंपल सर कोई जादू टोना सिखा दीजिए, कोई टैबलेट दे दीजिए, ना बेटा ना, कुछ भी नहीं होगा। बोलना तुम्हें तो बोलना पड़ेगा, लिखना तुम्हें तो लिखना पड़ेगा, करना तो पड़ेगा तुम्हें। तो यहां हमने कहा वॉच इंग्लिश न्यूज, देखो मूवीज, देखो कितने देर, 10 to 30 minutes, जो स्टार्टिंग में कहा था फर्स्ट स्टेप में। तो ये काम करो, आप देखो और देख करके उसको 4 मिनट सोचो कि क्या कहा गया है, कैसे किया गया है। नंबर लास्ट पॉइंट देखो गौर से, नंबर लास्ट कहता है यूज सिंपल सेंटेंसेस, लेकिन फ्रेम दी सेंटेंसेस, फ्रेम द सेंटेंसेस, यानी फ्रेम द सेंटेंसेस। ये फ्रेम कैसे होगा भाई, तो फ्रेम करने के लिए क्या काम करना पड़ेगा कि जैसे मान लो बेटा कोई भी स्ट्रक्चर हो, ध्यान देना गौर से, जैसे सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, अदर वर्ड हो। अब ये फ्रेम कैसे करेंगे हम, तो जैसे फ्रेम द सेंटेंसेस, इसके लिए आपको टेंस, वॉइस, नरेशन, ये टॉपिक्स आपको आना चाहिए। टेंस, वॉइस, नरेशन, तब आप सेंटेंस को फ्रेम करना आएगा। जब आपको फ्रेम करना आएगा तो फ्रेम कर करके आप क्या करो कि सब्जेक्ट वर्ब के एग्रीमेंट को जानोगे कि भाई सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। ये हर दिन इंप्रूवमेंट होता रहेगा ग्रामर अपनी जगह, बस अभी तुम्हें लिखना सीखना है, अभी तुम्हें बोलना सीखना है। तो अभी क्या करना है, एक सिस्टमेटिक काम करना है। ग्रामर की वीडियो में दे ही रहा हूं, आप शिकायत करते हो सर कौन सा सीरियल, ये नंबर वन पहला वीडियो दे रहा हूं। इसी तरह से वीडियो में जो वीडियो दे रहा हूं आप उसके बाद देखते जाओ। सारे वीडियो में नंबर क्यों नहीं ले रहा मैं, क्योंकि मान लो मैं नंबर दूं 10 नंबर,
अब तुम देखोगे 10 नंबर, तुम्हारे दिमाग में खटकेगा यार 1 नंबर में क्या था, परेशान हो जाओगे। इसलिए मैं नंबरिंग नहीं करता, ताकि जो वीडियो देखो हर वीडियो क्रांतिकारी हो। और ये जो सिंपल 7 स्टेप दे रहा हूं, ये तुम्हारे लिए क्रांतिकारी साबित होगा। पूरे भारत में इस वीडियो के फैलाने के लिए धन्यवाद। अब आप तुम शुरू से अंत तक देखा, इसके लिए धन्यवाद। बट अगर आप चाहते हो कि सिस्टमेटिक इंग्लिश पढ़ें, शुरू से लास्ट तक पढ़ें, तो दिल्ली दूर नहीं है। अब आ जाओ दिल्ली क्रांति फैलाने के लिए अंग्रेजी का, और तब तुम सिस्टम से पढ़ो। अगर चाहते हो तो दिल्ली नहीं आ सकता, मैं घर बैठे पढ़ना चाहता हूं, तो कोई टेंशन नहीं। आप www.dslenglish.com पे जाके घर बैठ के अंग्रेजी पढ़ सकते हो बहुत सी मामूली फीस में। कोई हैरत नहीं, धर्मेंद्र सर तुम्हारे घर पे रहेंगे, कोई इशू की बात नहीं। जो सिंपल 7 स्टेप्स दिया, इस स्टेप्स को आप फॉलो करके उन स्टूडेंट्स को इसको शेयर करो जिनको इनकी आवश्यकता है, और हर बच्चों की मदद करो जिनको इसकी ज़रूरत है। और एक एक स्टेप पर विचार करो, हमने क्या कहा, हर एक स्टेप पे सोचो विचार करो कि आखिर वो स्टेप सर क्या कहना चाहते हैं, क्या स्टेप फ्रूटफुल है। आप इस पे कमेंट करो और बताओ कितने तरह की वीडियोस दूं। मैं तुम्हें सिखाने के लिए हमेशा प्रयासरत हूं, हमेशा काम कर रहा हूं, और देखो कितने तरह से बनाऊं। तुम कमेंट करो और लाइक करके मेरा हौसला बढ़ाओ। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।